हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे आपको पता है कि हम लोग रामागुंडम आए हैं, सो आज ना हमने सोचा है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा हेल्प करते हैं। यहाँ पे शाही बाबा का एक आश्रम जैसा है, तो उधर पे हम लोग जा रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ अगर हमारे तरफ से हेल्प हो सके तो हम करेंगे, और आपके साथ मैं शेयर करूँगी। एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे लगता है, जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कम ऑयल में खाना खाइए, ये ले सकते हैं, वो कम प्राइस में अच्छा चीज़ है, वैसे ही ये सब चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी इन्फ्लुएंस हो के आप भी थोड़ा बहुत हेल्प करें लोगों की। हम एक साथ अगर अच्छे से रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा, है ना। सबको हेल्प करना चाहिए। तो चलो, बहुत दिन से हमने सोचा था कि हम कुछ लोगों को हेल्प करेंगे, तो हम लोग आए हैं शाही शिवा समिति। तो यहाँ पे देखो, लोगों के लिए खाना बन रहा है, ऑलमोस्ट 500 लोगों के लिए है। ये देखो, हम बोर्ड पे हमारा नाम लिखा हुआ है, मनोषिदान अनिर्वाण आचार्य गारू। तो गारू मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है शाही बाबा की मंदिर, जहाँ पे पूजा हो रहा है। बहुत अच्छे से आरती हो रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद आरती के बाद आरती का जो प्रसाद होता है, अनिर्वाण के हाथ में है। देखो, ये लेमन राइस है, ये भी खाने के साथ इंक्लूड करके एज अ प्रसाद भी सबको देते हैं। और ऐसे जैसे हमने थोड़ा सा डोनेट किया, उस तरह से डोनेट करके हम कुछ लोगों को हेल्प करते हैं। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया है जिन लोगों को हम खाना दे रहे हैं उनके फेस को कवर करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग मजबूरी में ये करते हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम रहती है। तो हमेशा ही कुछ ऐसे लोगों को आप हेल्प करो जिनको ज़रूरत है, ना कि जो लोग ऐसे काम कर सकते हैं पर काम ना करने के लिए बस ऐसे ही मौका ढूंढते हैं। तो शाही सेवा समिति जो है ना, तो मुझे लगता है ये एक जेन्युइन जगह है, तो इसीलिए मैंने इधर पे लोगों को थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश किया था। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं NTPC मार्केट, जो मेरा बहुत फेवरेट है। अरे, ये जगह पूरा चेंज कर दीजिए। So guys, हम आए हैं NTPC मार्केट पे। ये मार्केट बहुत पुराना है, बहुत सारे बंगाली सब्जी यहाँ पे सेल करते हैं। बहुत पुराना मार्केट है और बहुत वैरायटी में यहाँ पे सब्जी मिलता है, फिश मार्केट भी है। तो इसीलिए हम लोग जब भी आते हैं ना इधर, एक बार आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के। నాకు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కాదు, ఎప్పుడు చూద్దా నేను నిన్న టమాట డబల్ ఇయ్యకు। बाजार होके हम लोग घर आ रहे थे, और मैं आपको बता दूं, रामागुंडम में थोड़ा सा ज्यादा गर्मी है, हैदराबाद के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। तो इधर पे देखो, मैं शेफ अली दी भगवान की इधर, गणेश भगवान की इधर हल्दी कुमकुम दे रहे थे। यहाँ पे पंडाल में बहुत बड़ा करके गणेश पूजा हो रहा था। ये है गणेश पूजा का प्रसाद, और सभी लेडीज लोग मिलके ना बहुत सारा प्रसाद बनाया था। कभी कभी तो 100 के भी ऊपर हो जाते हैं। ये 56 भोग काइंड ऑफ कुछ दिया था। उसके बाद बहुत मजा आया हम लोगों को ये सब देख के। हाय गाइस, तो अभी 6:45 बज रहे हैं और हम लोग इधर से निकल रहे हैं, रामागुंडम से हैदराबाद जा रहे हैं। सो हम जाएंगे बस से, एक्चुअली ट्रेन से ही जाने का बात था, पर बहुत सुबह उठना पड़ता भाग्यनगर अगर हम पकड़ते, तो इसीलिए हम लोग बस से जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा हमारा बस से। सुबह के टाइम पे ना बहुत अच्छा लग रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा रोशनी है। बस हमारी चल पड़ी है, तो बस का ये जो सफ़र है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बस और ट्रेन हो, मुझे अच्छा लगता है ऐसे विंडो के पास में बैठा है। अनिर्वाण हमेशा मुझे विंडो सीट दे देता है, क्योंकि मैं भी तो उसको फ्लाइट में विंडो सीट देती हूँ ना। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप आ रहा था, पहले तो ठंड हवा आ रही थी, उसके बाद धूप आ रहा था। तो आप लोग सोच रहे हो कि AC बस में क्यों नहीं है, तो AC बस में अगर जाती तो इतना अच्छा GoPro का शॉट नहीं आता, और ऊपर से मुझे AC में थोड़ा सा ज़्यादा सफोकेशन भी होता है। बस 4 या 5 घंटे का रास्ता है, सो इन्हीं हम लोगों ने बिता दिया। और अनिवान तो सो के उठे, मैं बोल रही हूँ खाना चाहिए, उसने बोला हाँ दे दो। साढ़े
কাকের বাসা হয়ে গেছে পাখি বাসা আরে আজ করে রেখেছিল তো সো গাইস हम लोग हैदराबाद पहुंच गए हैं अभी ये पैटनी है ना हम लोग एक्चुअली ये बस ना कई कुछ कुछ बस सिकंदराबाद कुछ कुछ बस मियाँपुर ऐसे जाते हैं तो मियाँपुर हमारे घर से ज़्यादा पास में होता है तो ये बस मियाँपुर जाएंगे अगर हम कार से आते ना तो अब तक पहुँच भी गए होते अभी 11 बज रहा है ऑलमोस्ट तो मैंने आज भी वीडियो पब्लिश नहीं किया होप आप लोग समझ रहे हो कि उधर जाके ना इतना बिजी हो जाते हम लोग बहुत मुश्किल होता है मियाँपुर अभी आधे घंटे में पहुँचेंगे अब जैम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ऐसे भी मंडे है आज हाँ उसके बाद घर उसके बाद और आधा घंटा लगेगा ना हमें घर पहुँचने में एक घंटा भी लग सकता है मियाँपुर में हम लोग फिश खरीदने जाते थे होता है अगर बेलू रहता तो हम 10 मिनट में घर पहुँच सकते थे बेलू अकेला नहीं आ सकते हम लोगों को लेने आएगा आएगा कुछ दिन के बाद थोड़ा सा और ऑटोमेशन ये आप देख रहे हो ना ये पहले एक ज़माने में यही एयरपोर्ट था ये पहले एयरपोर्ट था बेगमपेट का ऑलमोस्ट देर बज रहा है घर आते ही मैंने फटाफट खाना बना लिया है ये ऑमलेट करी बनाया है मैंने नालू डाल के सलाद और राइस बस हो सो गाइस बहुत दिन बाद आपसे गप्पे करने का मौका मिला है देखो बारिश स्टार्ट हो गया है मम्मी ने एक वीडियो भेजा है उधर भी कोलकाता में बहुत बारिश हो रहा है तो कल मुझे वीडियो देना ही है दो दिन हो चुका है आप लोगों को बहुत मैसेज कर रहे हो कि दीदी क्या हुआ आपको आप क्यों नहीं दे रहे हो वीडियो मैं ठीक हूँ एक्चुअली आप समझ रहे हो ना हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी सो क्या हुआ था गाइस आने के टाइम पे ना मैंने दिखाया मेरा चप्पल जो है ना ऐसा हो गया है एक्चुअली हम जब जा रहे थे सुबह को हमने अलार्म लगाया था 5:30 बजे रनिवन का पता नहीं फ़ोन में क्या हो गया अलार्म नहीं बजा और 6:30 बजे ऐसे ही नींद टूटा पानी होना मतलब जल्दी करो हम लोग ट्रेन मिस कर जाएंगे 8:10 ऐसे ट्रेन था इधर से 2 घंटे तो मिनिमम लगता ही है सिकंदराबाद जाने में फिर हमने सोचा कि बस में जाने से देर हो जाए फिर हम ऑटो बुक के जल्दी जल्दी चले गए और ऐसे नींद टूटती है नींद जल्दी कर जल्दी कर तो मैं पहले बैल्कनी में आई फटाफट पेड़ पौधों को पानी दे दिया क्योंकि 2-3 दिन हम लोग नहीं रहने वाले थे तो पानी देने के बाद कैसे करके ब्रश किया कपड़े पहना थोड़ा सा लिप बाम लिपस्टिक लगाया तो मैं निकल गई तो उस चक्कर में क्या हुआ मैं ना मेरा शू रैक खोल के कोई एक जूता मिला तो वो पहन के चली गई ये बहुत पुराना 4 साल था पुराना शादी का तो वही पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में वो एक जूता पहन के चली गई और उधर जाके वो खुल गया फिर फेविक्विक से लगाया फिर आते आते जस्ट हम लोग आ रहे थे ऊपर जस्ट मैं उठ रही थी उस टाइम पर जूता गया पूरा तो आने के टाइम पे मैं थोड़ा सा सब्ज़ी भी लेके आई हूँ अनिरबन बोल रहे थे कि प्लीज़ तुम खाना खरीद के लेके चलो घर जाके मत बनाओ पर क्या होता है ना 2-3 दिन बाद जब हम घर आ रहे हो स्पेशली ट्रैवल करके पता नहीं मेरे से कौन लोग सहमत होंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है घर का दाल चावल पतला फिश करी पतला अंडा करी ये से भी अच्छा लगता है तो ही बनाया था मेरी मम्मी को कॉल करना है और रात को एक सब्ज़ी बनाना है बस दाल बनाया है कैप्सिकम डाल के बहुत अच्छा दाल बनता है मैं ना हर बार जाती हूँ रामाकुंडम तो शेफ अली से बहुत सारे सब्ज़ी की रेसिपी सीख के आती हूँ चिकन ये फिश ये तो बहुत सारे रेसिपी यूट्यूब में मिल ही जाता है पर शेफ अली ना बहुत अच्छा सब्ज़ी बनाती है तो मैंने एक बार सीखा था वही याद आ गया कैप्सिकम डाल के क्या बोलते हैं उस दाल को अरहर दाल तुअर दाल तो बनाया है
और एक छोटा छोटा करके एकदम बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाई है। अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल यहीं तक, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। थोड़ा बहुत मैंने जो कोशिश किया है मेरे तरफ से कुछ लोगों को हेल्प करने की, वो आपको अच्छा लगा होगा। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे, गुड नाइट।